अर्ली कस्टमर के लिए तैयार हो गए कुलचे ना। तो देखिए दोस्तों कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इसको घी लगेगा जहाँ बटर लगेगा तो इसकी रंग जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया कुलचे लग रहे हैं। ऐसे कुलचे आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आए अरुण जी को सपोर्ट करें और खाएं। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कलर देखिए कुलचे का, बिल्कुल नेचुरल कलर है। और ये भैया बता रहे थे लगाने का कोई सिस्टम होता है। ये देखिए दोस्तों अमूल बटर लग रहा है, कितना बढ़िया कुलचे का रंगत हो गई है। मेल्ट होगा तो और ही बढ़िया लगेगा कुलचे। ये देखिए कितने बढ़िया कुलचे लगाए ना ऊपर। ऊपर कौन सा मसाला है जी? चटपटा। अच्छा जी, चटपटा मसाला डाल दिया ऊपर। ये जा रहे जी। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों आज हम आए जी अरुण भैया के पास, जो कि अपने अमृतसर के तंदूरी कुलचे के लिए बड़े ही जाने माना नाम है जी इनका, और काफी इनको टाइम हो गया काम करते हुए। तो आज सुबह सुबह आ गए हम इनका ब्रेकफास्ट करने कुलचे का, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो पुराना ओल्ड तरीका होता है ना कुलचा लगाने का तंदूर में, वैसे हमारे अरुण भैया लगाते हैं। और लोकेशन तो इनकी बड़ी ही फेमस है जी, कटरा शेर सिंह के जो मेन बाजार है बिल्कुल सामने जो है अपनी भैया कार्ड लगाते हैं, स्टील की इनकी कार्ड है। और हाथों हाथ इनके कुलचे बिकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से कुलचा लगाते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और नरम कुलचा लगाते हैं। तो वैसे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा वैरायटी आ गई कुलचे में, बट ये एक मिक्स कुलचा और आलू वाला कुलचा लगाते हैं, पनीर वाला भी लगाते हैं। बाकी डिमांड होती है अभी कस्टमर की, कैसा कुलचा चाहिए, जैसे लॉन्ग कुलचा भी लगा देते हैं, गोल कुलचा भी लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों अरुण भैया से करते हैं बात और इनका देखते हैं अभी सेटअप क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। अरुण जी ठीक है जी? अरुण जी बड़े फेमस हो अपने अमृतसर के तंदूरी कुलचे के लिए। तो सर अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितना टाइम हो गया टोटल आपको काम करते हुए? मेरे को 29 साल हो गए जी। अच्छा, 29 साल का एक्सपीरियंस है आपको तंदूरी कुलचे का? क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो अरुण जी कितने टाइप के कुलचे मिलते हैं यहाँ से आपके? मेरे पास 5 तरह के होते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से जरा बता दीजिए। आलू वाला होगा, मिक्स होगा, पनीर वाला है। अच्छा जी, इसके अलावा इसको बोलते आलू गोभी मिक्स है। अच्छा, वो भी मतलब कर देते हो ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। और अमूल का बटर यूज करते हो आप? अमूल का यूज। और हमने सुना है भी आप देते हो साथ में चटपटी सी चाट। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा बताइए चाट कैसे तैयार होती है? चाट इमली की होती है। अच्छा, इमली होता है, उसमें आलू होते हैं? आलू होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अमचूरा डालता है। अच्छा, अमचूरा मसाले वगैरह डालते हैं, ठीक है जी। तो अरुण जी लोकेशन है अपनी कटरा जयमल सिंह, कटरा शेर सिंह। अच्छा, ये कटरा शेर सिंह पड़ेगा, कटरा जयमल सिंह से आएंगे तो कटरा शेर सिंह आएगा। लस्सी वाले का पास बगल में होता है। अच्छा, बगल में होती है आप ना? और ये सामने मेडिसिन की होलसेल मार्केट है। हाँ जी हाँ जी, चौक। तो अरुण जी कितने बजे आए थे यहाँ पर? सुबह 7 बजे आ रहे थे। अच्छा, 7 से 4 बजे तक? हाँ सुबह, ठीक है। और संडे को यहाँ पर छुट्टी होती है? हाँ जी हाँ जी। और अरुण जी मैं देख रहा हूँ आपके बड़े क्रिस्पी और बड़े लाल कुलचे निकल रहे, क्या राज है इसका? राज ऐसे ही है जी, लगाने का मतलब तरीका है। तो काफी देर पहले आपने काम सीखा होगा, पूरा मेहनत की होगी आपने लाइफ में, तो अभी भी आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। तो दोस्तों आए इनको सपोर्ट जरूर कर रहे हैं। तो ये देखिए अब कस्टमर के जो कुलचे निकलने वाले हैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर है। तो ये तैयार है कुलचा खाने के लिए? हाँ जी हाँ जी। काफी मतलब अरुण जी फेमस है इस एरिया में, अभी मार्केट खुली नहीं है, मार्केट खुलेगी तो काफी रश हो जाता है भैया के पास। हम तो आए भैया के पास सुबह सुबह आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने, बड़े सिंपल तरीके से जो है लगाते हैं कुलचे। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया इन्होंने वेजिटेबल काट के रखी हुई है, ये मैदा गुना हुआ है, ये फीलिंग है। तो अरुण जी ये क्या है, ये फीलिंग अपनी इसमें क्या क्या डाला? काफी मसाले देख रहा हूँ मैं, ये कस्तूरी मेथी है ऊपर को। अच्छा, और नमक और मिर्ची है। अच्छा, नमक मिर्ची बिल्कुल लाइट है, आपने फीलिंग तैयार करके रखी हुई है। ये अमूल बटर रखा हुआ है साथ में, और ये डालडा घी है क्रिस्पी करने के लिए, और वेजिटेबल काट के रखी हुई है, और गर्म मसाला भी रखा हुआ है। अपने चने भी दिखा देना थोड़े से। ये देखिए चने देखिए कितने बढ़िया है, ऊपर लेके आना। ये देखो जी कलर देखो चनों का। तो थोड़ा बताइए, जैसे आप बता रहे सिंपल मसाले डालते हैं इसमें, सिंपल और खाने में भी सिंपल होते हैं ना? हाँ जी। और ये अपनी आगे आलू वाली चाट होगी ना? ये चने देखिए, चने बहुत बढ़िया लगे मुझे। और ये देखिए इनकी इमली वाली प्याज वाली चटनी। तो नवरात्रों में कौन सी चटनी होती है जी? मूली की। अच्छा, मूली की होती है। और ये है जी इनका तंदूर। तो ठीक है अरुण जी, मेरे लिए लगा दीजिए अपना जो पुराने स्टाइल से लगता आ रहा है कुलचा, वैसे लगाना आप। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल डो ले ली है इसमें, और मैदा लगाया भैया ने। ये सिंपल आलू की जो इनकी फीलिंग है वो आ गई है, आप वेजिटेबल वगैरह सब डलवा सकते हो, है ना? ये देखिए दोस्तों, और पहले इसको आपने लच्छा टाइप बना के रख लिया हुआ है ना? ठीक है। तो सुबह 7 बजे आ जाते हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, सपोर्ट करना बनता है इनको। तो आए, संडे को छुट्टी होती है यहाँ पर। तो अगर अगर संडे को खाना हो तो कहाँ पर आप मिलेंगे? सासी मार्केट देना बैंक।
अच्छा शास्त्री मार्केट में, देना बैंक के बिल्कुल बाहर। ठीक है, ये ऊपर लग गया जी, और तो ऊपर आ गई जी कसूरी मेथी जी। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी। ये थोड़ा सा पानी लगाएंगे अब इसको, थोड़ा सा फैला लेंगे। अब चलेगा हमारा ये तंदूर में, ये देखिए दोस्तों अभी तैयार होता है तो फिर प्लेटिंग होती है। हमारा कुलचा तैयार जी, लो जी प्लेट हो रही है तैयार। पहले आएंगे चने। तो दोस्तों अभी भैया बता रहे थे भी इनको काफी मतलब कि 30 साल से ऊपर हो गया है यही काम करते हुए, काफी मेहनत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है अकेले कर रहे हैं। ये चने आ गए, साथ में आ गई हमारी प्याज वाली चटनी और साथ में थोड़े से हमें खट्टे वाले आलू आएंगे। तो सर ये कोई कोई देता है, हर कोई बंदा नहीं देता ना। लो जी अब कुलचा आएगा हमारा, तो प्लेट कर दी है तैयार अरुण जी ने। ये देखिए दोस्तों क्या बात है जी, फटाफट कुलचे लगते जा रहे हैं। अभी ऑर्डर आ रहे थे इनको काफी, अभी कुलचा हमारा निकलने वाला है तैयार। ये देखिए कितना बढ़िया और क्रिस्पी कुलचा तैयार कर दिया उन्होंने। तो अभी ऊपर आएगा जी अमूल बटर है ना जी। लो जी तैयार हो गया, प्लेटिंग होगी। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है। तो अरुण जी जरा कीमत भी बता दीजिए इसकी। ओनली 40 रुपये अमूल बटर डाल के बढ़िया कुलचा, ये देखिए कितना क्रिस्पी कुलचा लगा है। चलिए दोस्तों अब रेहाड़ी आ रहा, तो करते हैं ट्राई, फिर बताते हैं जी आपको कैसा टेस्ट है, कैसा कुलचा लगाया। चलो जी तैयार होगी प्लेट। तो देखिए प्लेट कितनी बढ़िया है, सबसे पहले आप कुलचा चेक कीजिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी कुलचा तैयार करके दिया है और बिल्कुल देखने में बिल्कुल जैसे परोंठी वाला कुलचा आता है ना, बिल्कुल नरम कुलचा है। आपको खाने का बहुत ही मजा आएगा यहाँ पर जब आओगे। और सिंपल जैसे अरुण जी बता रहे थे ये सिंपल चने बनाते हैं, हल्का साइड में गर्म मसाला जो डालते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, और चने जो बिल्कुल जो है अच्छी तरह गले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और साथ में मिली जी आलू वाली चाट, स्पेशली भैया बता रहे थे कि ये खाकर अपने दोस्तों को बताइए। औसम दोस्तों औसम, मजा आया मुंह में ना, बहुत ही अच्छा खट्टा सा फ्लेवर आ गया, अपने आप ही टूट गया। सबसे बड़ी बात यही होती है बढ़िया कुलचा लगाने वाले, चटनी लगाते हैं, चने लगा लिए। मैं कहता हूँ बटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना नरम अरुण जी ने कुलचा लगा के दिया है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था भी, ये पुराने जो कारीगर होते हैं वही ये कुलचा लगा सकते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा छेड़खानी हो गई है कुलचे के साथ। तो दोस्तों आए और इनको सपोर्ट जरूर करना, काफी मेहनत कर रहे हैं और अकेले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। चने का जो टेक्सचर है ना बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर है, बिल्कुल घुले हुए चने हैं और इसमें हल्का सा ना मुझे जैसे लौंग और इलायची का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। आलू चाट के साथ ले रहा हूँ बाइट। अनार लाने का और अमचूर्ण का जो है बहुत ही बढ़िया इसमें जो फ्लेवर आया है, और रुका नहीं जा रहा है, इतना जमी जो है अरुण जी ने कुलचा तैयार कर दिया है। आजकल की डेट में 80-90 रुपए का कुलचा हो गया दोस्तों ऐसा। और भैया देखिए 40 रुपए का कुलचा दे रहे हैं, कटरा शेर सिंह इनका जो एड्रेस है, कभी आप यहाँ से क्रॉस करें या अमृतसर से हो या अमृतसर में आयो तो दोस्तों सुबह आए ब्रेकफास्ट करें और इनको सपोर्ट करें। और दोस्तों अपने छोटे भाई को ऐसे अपना प्यार देते रहना और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना।